सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए घंटी का बटन जिससे आपको मिल सके हमारी नई रेसिपी सबसे पहले। नमस्कार, संगीताअग्रवाल.com पर आपका स्वागत है। आइए आज हम कुकर में चावल की खीर बनाएंगे। इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी चावलों की। चावलों को हमने 3-4 बार पानी से धो करके उसे आधे घंटे के लिए भिगो करके रख दिया था। चीनी की, दूध की, कटे हुए काजू की, कटे हुए बादाम की, किशमिश की, चिरौंजी की और इलायची पाउडर की। हमने सबसे पहले दूध को कुकर में कर लिया है। अब हम इसको उबाल लगाएंगे। दूध में उबाल आ चुका है। अब हम गैस को हल्का करेंगे और उसमें चावल डाल देंगे। अब हम गैस को तेज कर देंगे और चावलों को 2 मिनट के लिए दूध में खौलाएंगे। चावलों को खोलते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चलाएंगे। गैस को हल्का कर देंगे। अब हम इसमें किशमिश, काजू, बादाम और चिरौंजी डालेंगे। अब हम एक बार फिर से चलाएंगे। अब हम कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें 2 सीटी लगाएंगे। गैस को हमें मीडियम और लो रखना है। कुकर में 2 सीटी आ चुकी हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे और कुकर का प्रेशर अपने आप से निकलने के लिए रखा रहने देंगे। कुकर का प्रेशर निकल चुका है। अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। और खीर को चलाएंगे। हमारी खीर पक चुकी है। अब हम इसमें चीनी डालेंगे। मैं यहाँ पर आधी कटोरी चीनी डाल रही हूँ। अगर आपको हल्का मीठा पसंद है तो कम डाल सकते हैं और ज़्यादा मीठा पसंद है तो थोड़ी ज़्यादा चीनी डाल सकते हैं। अब हम गैस को फिर से ऑन करेंगे और खीर को ज़रा इस तरीके से चलाएंगे, रमचे से दबा दबा करके। जिससे कि हमारी खीर चिकनी हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी खीर कितनी चिकनी और गाढ़ी बनी है। बस अब हम इसे 2 मिनट और खौलाएंगे जिससे कि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए। हमारी खीर को पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर सबसे लास्ट में डालें जिससे इसमें खुशबू बनी रहती है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और खीर को एक बाउल में कर लेंगे। लीजिए, हमारी कुकर में बनाई हुई चावल की गाढ़ी मलाईदार खीर तैयार है। यह आपको कैसी लगी ये हमें जरूर बताइएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।